सो गाइस YouTube पे वीडियोस अपलोड करने का सही तरीका क्या है जिससे कि आपके लाइफ टाइम तक व्यूज सब्सक्राइबर्स बढ़ते रहे। आज के इस वीडियो में बिल्कुल बेसिक और अपडेटेड वर्जन बताने वाला हूँ हाउ टू अपलोड YouTube वीडियोस करेक्टली, बिकॉज YouTube ने बहुत सारे अपडेट्स किए हैं। सो कैसे आप अपने स्मार्टफोन या लैपटॉप से सही तरीके से YouTube पर वीडियोस अपलोड कर सकते हो वो मैं आपको बताऊंगा। तो इस वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखना, कोई भी स्टेप स्किप मत करना। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे अभी सब्सक्राइब कर दो और इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना, क्योंकि मुझे इसे एक मोटिवेशन मिलता है आपके लिए ऐसे ही नए वीडियोस लाने के लिए। सो गाइस यहां से वीडियो को शुरू करते हैं। गाइस सबसे पहले अगर आप अपने स्मार्टफोन से वीडियोज अपलोड कर रहे हैं तो आप यूट्यूब ऐप से वीडियोज डायरेक्टली मत अपलोड करना। फॉर एग्जाम्पल जैसे यहाँ पर आप अपने YouTube ऐप को ओपन करते होगे, नीचे सेंटर में आपको प्लस बटन दिख रहा है उस पर क्लिक करके अपलोड अ वीडियो सेलेक्ट करते होगे और यहाँ से अपने वीडियो को सिलेक्ट करके यहीं से वीडियो को अपलोड करते होगे, तो आपको अब से ऐसा नहीं करना है। क्यों? इसके दो रीज़न है। पहला, अगर आप यहाँ से वीडियोज अपलोड करते हो तो आप अपने वीडियोज के लिए टाइटल, डिस्क्रिप्शन, टैग्स और थंबनेल सही तरीके से सेट नहीं कर सकते हो, जो कि यूट्यूब के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सेकेंड थिंग, अगर आप अपने वीडियोस को यहाँ से अपलोड करते हो तो आपकी वीडियो की साइज थोड़ी सी कॉम्प्रेस हो जाती है, जिससे कि आपकी वीडियो की क्वालिटी भी थोड़ी सी कम हो जाती है। ये मैंने पर्सनली एक्सपीरियंस किया है, इसलिए मैं आपको अब सही तरीका बता रहा हूँ। सो गाइस अगर आपको अपने स्मार्टफोन या कंप्यूटर से सही तरीके से वीडियो को अपलोड करना है तो उसके लिए गाइस सबसे पहले आपको अपने क्रोम ब्राउजर को ओपन करना है और राइट के टॉप साइड में आपको 3 डॉट्स दिख रहा है उस पर क्लिक करके डेस्कटॉप साइट को इनेबल कर देना है। अब यहाँ पर आपको अपनी जीमेल आईडी से यहाँ पर आपको सर्च करना है studio.youtube.com और उसे ओपन करने के बाद अब यहाँ से आप अपने वीडियोस को सही तरीके से अपलोड कर सकते हो। सो गाइस अब चीज़ें आपको क्लियर दिखे इसलिए मैं आपको इसे अपने डेस्कटॉप के स्क्रीन पर शो करने वाला हूँ, बट सेम प्रोसेस आप अपने स्मार्टफोन में भी कर सकते हो, आपको कोई भी चेंजेस नहीं दिखेगा। सो गाइस सबसे पहले आपको अपना YouTube स्टूडियो ओपन करना है। ओपन करने के बाद राइट साइड में आपको आपका चैनल आइकन दिख रहा होगा, उसके नेक्स्ट आपको क्रिएट बटन दिख रहा है, आपको क्रिएट पे क्लिक करना है और यहाँ से अपलोड वीडियो सेलेक्ट करना है। अपलोड वीडियोस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर अपलोड वीडियोस का एक बॉक्स ओपन हो जाएगा जहाँ से आप अपनी वीडियो को सिलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पर आप अपलोड आइकन पे क्लिक करके सिलेक्ट कर सकते हो या नीचे सिलेक्ट फाइल्स पे भी क्लिक करके आप क्लिक कर सकते हो। सेम प्रोसेस आप अपने स्मार्टफोन में भी कर सकते हो, बस आपको अपने चैनल आइकन के नेक्स्ट में क्रिएट बटन दिख रहा है वहाँ पर क्लिक करके आपको अपलोड वीडियोज पे जाना है और उसके बाद आपको अपनी वीडियो की फाइल सिलेक्ट करनी है। तो यहाँ पर मैं अपनी वीडियो फाइल को सिलेक्ट कर लेता हूँ, बस आपको अपलोड आइकन पे क्लिक करना है और जहाँ पर भी आपका वीडियो है उसको सिलेक्ट करना है। जैसे कि मैं अपने इसी वीडियो को अपलोड कर रहा हूँ हाउ टू अपलोड यूट्यूब वीडियोस, तो उसको सिलेक्ट करके ओपन करना है। उसके बाद ही आपकी वीडियो फाइल अपलोड सेक्शन में चल जाएगी। तो जैसे आप अपने वीडियो को सिलेक्ट करते हो तो यहाँ पर 5 सेक्शन ओपन हो जाते हैं जिसको आपको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो सबसे पहला टैब है यहाँ पे डिटेल्स टैब, यहाँ पर आपको अपनी वीडियो की डिटेल्स को ऐड करना है। यहाँ पर आपको अपना टाइटल सेट करना है, टैग सेट करना है, डिस्क्रिप्शन सेट करना है। तो सबसे पहले अगर मैं टाइटल की बात करूँ तो यहाँ पर जैसे मेरा वीडियो है हाउ टू अपलोड यूट्यूब वीडियोज, तो मुझे यहाँ पर अपना टाइटल को यूट्यूब के SEO से मैच करवाना है जिससे कि मेरे वीडियोज पे ज्यादा व्यूज आए और मेरा वीडियो ज्यादा सर्च रिजल्ट में रैंक करे। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ हाउ टू अपलोड यूट्यूब वीडियोज करेक्टली 2021 और यहाँ पर और भी हम टाइटल में ऐड कर सकते हैं YouTube वीडियोस अपलोड करने का सही तरीका। सो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो इस टॉपिक को सर्च कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि मैंने अपने टाइटल में कीवर्ड भी ऐड किया हुआ है, जैसे यहाँ पे है हाउ टू अपलोड YouTube वीडियोस और दूसरा कीवर्ड यहाँ पर YouTube वीडियोस अपलोड करने का सही तरीका। तो ऐसे ही आपको भी अपने टाइटल में कीवर्ड्स ऐड करना है जिससे कि आपका SEO इंप्रूव हो जाएगा और आपके वीडियोस पे ज़्यादा व्यूज आएंगे। अब आपको यहाँ पर डिस्क्रिप्शन सेट करना है अपने वीडियो का, तो यहाँ पर मैंने पहले से ही डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है तो मैं यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ, आप अपने हिसाब से लिख सकते हो। तो जैसे यहाँ पर आप देख रहे हो कि मैंने डिस्क्रिप्शन में लिखा है लर्न हाउ टू अपलोड यूट्यूब वीडियोस, तो आपको अपने टाइटल और डिस्क्रिप्शन को बिल्कुल मैच करवाना है। आप सेम इसको कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर सकते हो, नहीं तो यहाँ पर आप एज अ सेंटेंस यूज कर सकते हो। जैसे यहाँ पर मैंने लर्न लिखा है और उसके बाद अपने वीडियो का टाइटल ऐड किया है, तो इससे ये देखने में ज़्यादा अच्छा लगता है और ये एक एज अ SEO भी काम करता है YouTube के लिए। उसके बाद अपने वीडियोस में कीवर्ड भी ऐड कर सकते हो, जैसे यहाँ पे मैंने बहुत स्मार्टली कीवर्ड ऐड किया हुआ है। मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि इस वीडियो में कौन से क्वेरी सॉल्व होंगे, बट यहाँ पर आप देख रहे हो कि ये मेरे वीडियो का एज अ कीवर्ड भी काम कर रहा है। जैसे ये पहला कीवर्ड हुआ, ये दूसरा कीवर्ड, ये तीसरा और ये चौथा। ऐसे ही आप भी अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कीवर्ड ऐड कर सकते हो, बट ज़्यादा ऐड नहीं करना चाहिए क्योंकि ये मेटा डेटा को इफेक्ट करता है, इसलिए आपको बहुत शॉर्ट कीवर्ड यूज़ करने हैं।
आप इसको एज अ क्वेरी सॉल्व में सेट कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे मैंने वॉच नेक्स्ट लिखा है, तो यहाँ पर मैंने अपने दूसरे वीडियो के लिंक को भी पेस्ट किया है जो कि मेरे इस वीडियो से रिलेटेड है, तो इससे मेरे दूसरे वीडियोस पे भी व्यूज बढ़ जाएंगे, तो आप भी ऐसा इसे यूज कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे मैंने अपने बाकी सोशल मीडिया लिंक्स ऐड किए हैं, अगर कोई मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना चाहता है, ट्विटर पे फॉलो करना चाहता है या फिर मेरे सेकंड चैनल को सब्सक्राइब करना चाहता है तो यहाँ पर वो क्लिक करके सब्सक्राइब कर सकता है। उसके बाद मैंने जो भी गियर्स यूज़ किए हैं अपने वीडियोस में उसके लिंक को मैंने यहाँ पे पेस्ट किया है, क्योंकि बहुत लोगों के कमेंट आते हैं कि आप क्या यूज़ करते हो, तो मैंने यहाँ पर उसे लिंक ऐड कर दिया है, तो आप देख सकते हो और परचेज कर सकते हो। उसके बाद अगर आपने कोई म्यूज़िक यूज़ किया है अपने वीडियो में तो उसको आप मेंशन कर सकते हो, जैसे यहाँ पे मैंने म्यूज़िक यूज़ किया है क्रॉकपॉट NCS, और मैंने उस म्यूज़िक को कहाँ से लिया है उसे आप क्रेडिट दे सकते हो। उसके बाद आपको अपने डिस्क्रिप्शन में हैशटैग्स लगाना है, आप मैक्सिमम 10 से 15 हैशटैग लगा सकते हो, लेकिन मैं अपने हर वीडियो में 3 से 5 हैशटैग लगाता हूँ और वो रेलेवेंट हैशटैग होता है मेरे वीडियो से। उसके बाद यहाँ पे मैं अपने डिस्क्रिप्शन में व्यूअर को बोलता हूँ चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, अगर आपने नहीं किया तो इसे अभी कर दो, और उसे थैंक यू भी बोलता हूँ इस वीडियो को देखने के लिए, तो आप भी ऐसे लिख सकते हो। और लास्टली अगर किसी को बिजनेस के लिए मुझे कॉन्टैक्ट करना है तो यहाँ पर मैं अपना gmail ID भी दे देता हूँ, जिससे कि मुझे स्पॉन्सरशिप या कोलैबोरेशन के लिए मेल आ सके। सो यहाँ पर हमने अपना डिटेल्स कम्प्लीटली फिल कर लिया है, ऐसे ही आपको भी अपने डिटेल्स को कम्प्लीटली फिल करना है जिससे कि आपका YouTube SEO इम्प्रूव हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको अपना थंबनेल सेट करना है, तो यहाँ पर आप थंबनेल सेक्शन में अपलोड थंबनेल में जाओगे और आपका जहाँ पे भी थंबनेल है उसको सिलेक्ट करना है और यहाँ से ओपन पे क्लिक कर देना है, तो यहाँ पर आपके वीडियो का थंबनेल सेट हो जाएगा, जैसे मेरे इस वीडियो का थंबनेल ये है, तो ये सेट हो गया। अब आपको स्क्रॉल करके थोड़ा नीचे आना है और यहाँ पर आप प्लेलिस्ट सेट कर सकते हो, यहाँ पर आपको सिलेक्ट के ड्रॉप डाउन पे क्लिक करना है और आपको अपना प्लेलिस्ट सेलेक्ट करना है। इसका भी बहुत बड़ा फायदा है, अगर आपको कोई नया प्लेलिस्ट बनाना है तो यहाँ पे आप न्यू प्लेलिस्ट पे क्लिक करके नया प्लेलिस्ट बना सकते हो। उसके बाद आपको अपनी ऑडियंस को सेट करना है कि ये आपका वीडियो किड्स के लिए है या नहीं है, जो कि बहुत लोग गलती करते हैं। यहाँ पर आपको दो ऑप्शन मिल रहे हैं, यस इट मेड फॉर किड्स, और दूसरा ऑप्शन मिला है नो इट्स नॉट मेड फॉर किड्स, तो यहाँ पर आपको सेकंड ऑप्शन नो इट्स नॉट मेड फॉर किड्स पे सिलेक्ट करना है। और उसके बाद अब आपको यहाँ पर स्क्रॉल करके थोड़ा नीचे आना है और यहाँ पर आपको एज रिस्ट्रिक्शन दिख रहा है, अगर आप उस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको दो ऑप्शन मिल रहे हैं, नो डोंट रिस्ट्रिक्ट माई वीडियोज ओवर 18 ओनली, और यस रिस्ट्रिक्ट माई वीडियो टू व्यूअर्स ओवर 18, तो यहाँ पर आपको सेकंड ऑप्शन नो डोंट रिस्ट्रिक्ट माई वीडियो टू व्यूअर्स ओवर 18 पे क्लिक करना है। और उसके बाद आपको पेड प्रमोशन दिख रहा है, अगर आपके वीडियो में कोई प्रमोशन है, अगर आपने किसी प्रोडक्ट का प्रमोशन किया है तो यहाँ पर आपको चेकबॉक्स पर टिक करना है, मेरे इस वीडियो में कोई प्रमोशन नहीं है तो यहाँ पे मैं अनचेक कर देता हूँ। उसके बाद आपको सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, आपको अपने वीडियो का टैग्स ऐड करना है, यहाँ पर आपको ऐड टैग्स का ऑप्शन मिल रहा है, जहाँ पर आपको अपने वीडियो से रिलेटेड रेलेवेंट और स्ट्रॉन्ग टैग्स ऐड करना है। यहाँ पर आप vidIQ की एक्सटेंशन की वजह से पॉपुलर टैग्स देख रहे हो, इसका भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप vidIQ का एक्सटेंशन डाउनलोड कर सकते हो। यहाँ पर मैं ऐड टैग्स में जाकर मैंने पहले से रेलेवेंट टैग्स को यहाँ पर लिख रखा है, तो इसको मैं कॉपी करके सिंपली पेस्ट कर देता हूँ। ऐसे ही आप भी अपने वीडियो से रिलेटेड यहाँ पे स्ट्रॉन्ग कीवर्ड्स या टैग्स को ऐड कर सकते हो। यहाँ पर टैग्स ऐड करने की लिमिट 500 कैरेक्टर्स की होती है, तो यहाँ पर आपको ऐसे अपनी वीडियो का टैग ऐड कर देना है। उसके बाद आप स्क्रॉल करके नीचे आओगे तो यहाँ पर आपको अपने वीडियो का लैंग्वेज और सबटाइटल दिख जाएगा, तो मेरे वीडियो का लैंग्वेज इंग्लिश है, और यहाँ पर आप रिकॉर्डिंग डेट और लोकेशन सेट कर सकते हो, तो यहाँ पर आप डेट सेट कर सकते हो और यहाँ पर आप वीडियो का लोकेशन सेट कर सकते हो, तो इसको मैं स्किप कर देता हूँ। उसके बाद लाइसेंस एंड डिस्ट्रीब्यूशन में आपको स्टैंडर्ड यूट्यूब लाइसेंस सेलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अलाउ एम्बेडिंग का एक चेकबॉक्स दिख रहा है, इससे आप अपने यूट्यूब वीडियोस को किसी वेबसाइट में एम्बेड कर सकते हो। सेकंड यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल रहा है पब्लिश सब्सक्रिप्शन फीड एंड नोटिफाई सब्सक्राइबर्स, इसको भी आपको चेक रखना है। अब आपको यहाँ पर कैटेगरी ऑप्शन दिख रहा है, कैटेगरी सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है आपके वीडियो का, आपको यहाँ पे अपने वीडियो का कैटेगरी डिसाइड करना है। जैसे यहाँ पर आप क्लिक करोगे तो आपको बहुत सारे कैटेगरीज मिल जाएंगे, तो यहाँ पर आपको अपने वीडियो से रिलेटेड कैटेगरी को सिलेक्ट करना है, मेरे यहाँ पे साइंस एंड टेक्नोलॉजी है तो मैं उसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। और उसके बाद यहाँ पर आपको लास्ट ऑप्शन कमेंट एंड रेटिंग्स का दिख रहा है, यहाँ पर अगर आपको अपने पोटेंशियली इनअप्रोप्रिएट कमेंट्स को होल्ड करना है तो उसको सिलेक्ट करना है, और लास्ट ऑप्शन है कि आपको अपने वीडियोस पे लाइक्स और डिसलाइक्स को शो करना है, तो इसको आपको अनचेक कर देना है, और अगर आपको इसे दिखाना है कि आपको कितने लाइक्स और डिसलाइक्स मिल रहे हैं तो इसको आपको चेक कर देना है। उसके बाद आपका डिटेल सेक्शन कम्प्लीटली हो जाएगा, यहाँ पर आपने अपना डिटेल्स कम्प्लीट फिल कर लिया है, अब यहाँ पर आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है।
अब आपको यहाँ से अपनी वीडियो का मोनेटाइजेशन ऑन करना है। यहाँ पर आप मोनेटाइजेशन के ड्रॉप डाउन पर क्लिक करके, आपको ऑफ दिख रहा है तो आपको ऑन क्लिक कर देना है और डन पे क्लिक कर देना है। सो आपके वीडियो पे जितने भी टाइप के एड्स होते हैं अब रन करने लगेंगे। और आपके ऐड कहाँ कहाँ आ सकते हैं, तो आपका ऐड वीडियो के स्टार्टिंग में आ सकता है, वीडियो के बीच में आ सकता है। अगर आपका वीडियो 8 मिनट से लंबा है तो यहाँ पर आप मैनेज मिड रोल्स पे क्लिक करके उसे मैनेज कर सकते हो, और वीडियो के लास्ट में आ सकता है। तो यहाँ पर आपका मोनेटाइजेशन ऑन हो गया है। अब आपको नीचे नेक्स्ट बटन पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर आप अपने वीडियो के एंड स्क्रीन पर वीडियो ऐड कर सकते हो। सिंपली यहाँ पे आपको ऐड दिख रहा है, ऐड पे क्लिक करना है, और यहाँ पर आप एलिमेंट पे क्लिक करके कोई भी वीडियो, प्लेलिस्ट, सब्सक्राइब बटन, कुछ भी ऐड कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं वीडियो सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पर आपको चूज स्पेसिफिक वीडियो पे क्लिक करके अपने चैनल का कोई भी वीडियो आप सेलेक्ट कर सकते हो। तो मैं अपने इस वीडियो को सिलेक्ट कर लेता हूँ क्योंकि ये मेरा वीडियो इस वीडियो से रिलेवेंट है। उसके बाद ऊपर आपको सेव बटन दिख रहा है, सेव पे क्लिक कर देना है। अब ऐसे ही आप कार्ड्स भी ऐड कर सकते हो, यहाँ पे सिंपली आपको ऐड कर देना है। उसके बाद नीचे नेक्स्ट बटन पे क्लिक कर देना है। अब गाइस यूट्यूब ने यहाँ पे एक नया टैब इंट्रोड्यूस किया है चेक्स का, जो कि चेक करता है कि आपकी वीडियोस पर ऐड रन हो सकता है या नहीं, कोई कॉपीराइट है। सो यहाँ पर आपको वो पता चल जाता है। सो ये YouTube का नया और अपडेटेड वर्जन है, तो यहाँ पर आपको इसे चेक होने देना है। और जब चेक कंप्लीट हो जाएगा तो यहाँ पर आपको सबमिट रेटिंग्स पे क्लिक करना है और नेक्स्ट पे क्लिक करना है। अब आपको लास्ट ऑप्शन मिल रहा है विजिबिलिटी का, यहाँ पर आपको अपनी वीडियो की विजिबिलिटी को सेट करना है, मींस आपको अपनी वीडियो को कब पब्लिश करना है। यहाँ पर आपको तीन ऑप्शन मिल रहे हैं सेव और पब्लिश में। आप अपनी वीडियो को पब्लिक कर सकते हो, अनलिस्टेड कर सकते हो और प्राइवेट कर सकते हो। अगर आप अपनी वीडियो को प्राइवेट करोगे तो आप अपनी वीडियो को खुद देख सकते हो, आपकी ऑडियंस इसे नहीं देख सकती है। अगर आप इसको अनलिस्टेड करते हो तो इसको आप खुद देख सकते हो, और अगर आप इस वीडियो की लिंक किसी को शेयर करते हो तो वो भी इस वीडियो को देख सकता है। थर्ड ऑप्शन है यहाँ पर पब्लिक। अगर आप पब्लिक सेलेक्ट करते हो और सेट एज इंस्टेंट प्रीमियर करते हो तो ये आपकी वीडियो तुरंत ही पब्लिक हो जाएगी और एज अ प्रीमियर शो होने लगेगी। तो बेस्ट ऑप्शन है यहाँ पर आप अपनी वीडियो को अनलिस्टेड सेलेक्ट करो और यहाँ पर सेव पे क्लिक कर दो। इसके बाद आप अपनी वीडियो को पब्लिक कर सकते हो बाद में। लास्ट ऑप्शन आपको मिल रहा है शेड्यूल का। अगर आपको अपनी वीडियो किसी और दिन के लिए शेड्यूल करनी है तो यहाँ पर आप शेड्यूल पे क्लिक कर सकते हो, और यहाँ पर आपको डेट का ड्रॉप डाउन पे क्लिक करके उस वीडियो को शेड्यूल कर देना है। जैसे मैं अपनी इस वीडियो को कल के लिए शेड्यूल कर रहा हूँ तो मुझे कल का डेट सिलेक्ट करना है, और किस टाइम पे मुझे इसे शेड्यूल करना है वो टाइम मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पर मैं इस वीडियो का टाइमिंग 12 बजे सेट कर देता हूँ। 12 बजे को यहाँ पे सिलेक्ट कर लेते हैं। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपको सबसे नीचे फाइनली एक शेड्यूल बटन दिख रहा है, आपको सिंपली शेड्यूल पे क्लिक करना है। शेड्यूल पे क्लिक करते ही आपने इस वीडियो को जिस दिन के लिए भी शेड्यूल किया है ये उस दिन और उस समय पब्लिक हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा वीडियो सही तरीके से अपलोड हो गया है, अब ये उस दिन को शेड्यूल हो जाएगा। अब आपको बस सिंपली यहाँ पे नीचे क्लोज पे क्लिक कर देना है। सो गाइज ऐसे ही आपको अपने वीडियोस को यूट्यूब पर अपलोड करना है। ये था सबसे बेस्ट और सबसे सही तरीका यूट्यूब पर वीडियोस अपलोड करने का। अगर आप ऐसे अपने वीडियोस को अपलोड करते हो तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलने वाले हैं। ये मैं पर्सनली अपने एक्सपीरियंस से आपको बोल रहा हूँ। आई होप गाइज आज की इस वीडियो से आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिली होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसे अभी लाइक कर दो, और साथ में मेरे चैनल को भी अभी सब्सक्राइब कर दो। गाइज अगर आपको यूट्यूब से रिलेटेड और भी चीज़ें देखना है तो आपके लिए मैंने एक कंप्लीट प्लेलिस्ट पहले से बना रखी है। ऊपर आई बटन प्रेस करके आपको सारे वीडियोज़ के लिंक मिल जाएंगे, तो अभी जाके उसे देखो। और गाइज आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो, मेरे इंस्टाग्राम आईडी की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो वहाँ से चेक कर सकते हो। सो गाइज मिलते हैं ऐसे किसी नए इंटरेस्टिंग वीडियो में। टिल देन कीप स्माइलिंग and keep sharing.